ये एक पिकअप कॉलम है। जिसका नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, ड्राइंग्स में अक्सर होता है पिकअप कॉलम। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक स्टेयर सीढ़ी हमारे ऊपर आ रही है, और वहाँ पर अगर आप देखिए तो वहाँ पर ये जो स्टेयर का लैंडिंग है ना, इस कॉलम के ऊपर रेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो पिकअप कॉलम का मकसद क्या होता है? पिकअप कॉलम का मकसद ये होता है कि असल में एक छोटी सी स्टेयर के लिए हम एक इतना बड़ा कॉलम नहीं दे सकते, और इसका लोड जो है किसी बड़े कॉलम के ऊपर ट्रांसफ़र करना जो है वो अनइकोनॉमिकल होता है। इस वजह से हम कोई ऐसा कॉलम यहाँ इस स्लैब से ही पिक कर लेते हैं कि जो साइज़ में छोटा होता है। जिस तरह से अगर आप इसको देखें तो ये 9x9 का एक छोटा सा कॉलम है। ठीक है, तो ये साइज़ में छोटा कॉलम है, ये आप देखिए 9x9 का एक कॉलम है जिसमें हमने 6 मेन बार्स या 6 वर्टिकल बार्स लगाए हैं। तो इसका काम ये होता है कि जब स्टेयर का लैंडिंग यहाँ पर आएगा, जिस तरह से वो नीचे वहाँ पर आया हुआ है, तो वो उस लोड को लेके यहाँ नीचे स्लैब पर ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, और आगे इसको कहीं और शिफ्ट नहीं करता इस ये, इस वजह से इसको मेन कॉलम नहीं बल्कि पिकअप कॉलम बोलते हैं। तो ये एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, आपको ड्राइंग्स के अंदर अक्सर नज़र आएगा, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ड्राइंग में इसको डिज़ाइन नहीं किया गया हो, लेकिन साइड पर अगर हम इसको देखें तो इसको हम डाल सकते हैं।